से भी बिल्कुल कम है। ये पॉलिटिकल फंक्शन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एक फाइनेंस कमीशन पर भी प्रेशर होता है। तो ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन में भी बहुत सक्सेसफुली हम लोग किए थे। पहले फर्स्ट ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन में भी थे, 13th में थे। ये इनका हैट्रिक प्रेजेंस होगा 14th फाइनेंस कमीशन। और कई यहाँ हमारे इन्वाइटी पहले का दोनों फाइनेंस कमीशन में। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि ये परंपरा वो एजेंडा से हटने का कोई प्रश्न नहीं होता है, मगर कुछ ऐसा एजेंडा हो जिसमें एक प्रोविंशियल, तो ये एक इनिशियल मीटिंग है जिसमें कि हम लोग एक उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, और उसके बाद हम लोग एक फुल फ्लेज्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग चाहेंगे कि क्या हो सकेगा। इसमें सुशील कुमार मोदी जी पहले वित्त मंत्री भी थे, इसलिए इनको काफ़ी अनुभव है। ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स कमिटी। तो हम लोग का पहले से काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है हाउ टू डील विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ टू डील विद द फाइनेंस कमीशन। इस बार एक और भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि रघुराम राजन कमेटी में हो सकता है कि बिहार के अनुकूल बहुत कुछ नहीं हुआ, और एक बार जरूर हुआ कि जो डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार हुआ उसमें डेवलप स्टेट, लेस डेवलप स्टेट एंड लेस डेवलप स्टेट्स में, लीस डेवलप स्टेट्स में। तो इसलिए अब एक रघुराम राजन कमेटी का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या पोजीशन है ये इंडिकेटिव होता है। अनिल शर्मा जी लास्ट टाइम 13th फाइनेंस कमीशन मेमोरेंडम में भी इन्वॉल्व थे। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूट से लोग आएंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इन फुल अटेंडेंस। सत्यजीत हैज बीन इन्वॉल्व विद अस। चार फाइनेंस कमीशन के बारे में इंटरेस्ट ना केवल फाइनेंस मिनिस्टर का, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर के डिपार्टमेंट का है, बल्कि समाज के विभिन्न अंग प्रोफेशनल बॉडीज हो, एकेडमिशियंस हो, और ये पॉलिटिकल जो तरीका से होता है लोग जानते हैं कि इस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या करें। ये 20-25 साल पहले हमको लगता है कि नहीं, इकोनॉमिक्स लोग करते हैं चाहते थे कि हम लोग देश में डेवलपमेंट हो, वेलफेयर हो, लिटरेसी बढ़े, इनका दिखते हैं। आप कुछ भी इंडिकेटर ले लीजिए, कोई भी इंडिकेटर ले लीजिए, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशनल लाइफ हो, लिटरेसी हो, पर कैपिटा इनकम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं उसमें प्रगति हमारा सीमित हुआ होगा, कहीं पर सीमित होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रगति जरूर होगा, कुछ ना कुछ प्रगति जरूर होगा। लेकिन एक मुद्दा है जिसमें हम लोग को प्रगति के दूर रहे बल्कि हम लोग उल्टे रास्ते पर चले। आपको बताऊं कि 1950 से लेकर के अभी 2012 है, ये 62 या 67 एक हम लोग हमेशा कैलकुलेट कर रहे थे कि इंटरस्टेट डिस्पैरिटी इंडिया में कितना है, जितने राज्य है उसमें डिस्पैरिटी कितना है। कई लोग इसमें रिसर्च किए हुए हैं और उसका जो मूल कंक्लूजन ये है 1965 तक, 50 से लेकर 47 से लेकर 65 तक जब हम लोग को प्लानिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, इंटरस्टेट डिस्पैरिटी में थोड़ा सा कमी रही थी, थोड़ा सा इक्वलाइजेशन हुआ है। लेकिन 65 से लेकर पिछले 48 साल हमारे वहाँ इंटरस्टेट डिस्पैरिटी लगातार बढ़ गई। सो दिस इज दी ओनली स्टेट इन रिस्पेक्ट टू विच हमारे देश का जो भी इकोनॉमिक जो एजेंडा है हम लोग इम्प्रूवमेंट तो दूर रहे बल्कि हम लोग को डिटोरेशन। एंड दिस इज द रीजन आई थिंक नाउ डेज पीपल आर एक्सट्रीमली ईगर जिस पर फाइनेंस कमीशन में हम लोग को किस राज्य को इंद्रा
रिसोर्स ट्रांसफर सेंटर से स्टेट तक कई एक रास्ते में होता है और सरकार के अलावा भी कई जैसे बैंकिंग सिस्टम है उसके थ्रू भी रिसोर्स ट्रांसफर होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिसोर्स ट्रांसफर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिसोर्स ट्रांसफर होता है फाइनेंस कमीशन का और इसलिए फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग हमेशा उद्दीप रहते हैं। पीछे फाइनल हेड में हम लिखे हुए हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इंटरेस्ट रेट डिस्पैरिटी का, जिन लोग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे फुल्ली अवेयर थे, हिंदुस्तान में 1947 में जो परिस्थिति था कि जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी इस मामले में तब तक रीजनल डिस्पैरिटी जो बहुत हाई था वो किसी तरह नहीं दे सकता, इसलिए फाइनेंस कमीशन का प्रमिशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया विद मेन ऑब्जेक्टिव रीजनल डिस्पैरिटी। दूसरा कारण ये था कि हमारे वहाँ स्ट्रक्चर कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना उसका जरूरत है उससे ज़्यादा टैक्स कमाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जितना उसका जरूरत है उससे कम कमाते हैं, सो सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांसफर सेंटर से स्टेट में होना ही है और उसका मूल उद्देश्य रहेगा कि रीजनल डिस्पैरिटी दूर हो। ये आर्टिकल 280 और 281 के अंदर ये होता है। फॉर्चुनेटली पिछले दो फाइनेंस कमीशन में हम लोग फाइनेंस कमीशन में लगातार चर्चा कर रहे थे कि टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कितना शिफ्टेड होगा सेंटर से स्टेट तक और जिसको हम डिविजिबल पूल कहते हैं। पिछले 12वां या 13वां दोनों फाइनेंस कमीशन में इस डिविजिबल पूल का साइज बढ़ा दिया, पहले 29.5 था 11th, उसके बाद 30.5 हुआ, उसके बाद 32, सो 2.5% का इसमें वृद्धि हुई है। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक इंडिकेटिव लिमिट होता है जो रिव्यू ट्रांसफर होगा उसके कितना उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुआ, उस मामले में पिछले 12 और 13 रीजनल डिस्पैरिटी के सवाल पर ज़्यादा सेंसिटिव रहे, दे हैव इंक्रीज द साइज ऑफ रिसोर्सेज जस्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रही बात जो पाँचवा पॉइंट हम लोग लिखा कि बांटने का स्टेट में बांटने के इसको जिसको हम लोग कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट होगा, उसमें हर फाइनेंस कमीशन में कुछ ना कुछ चेंज रहता है। फिलहाल जो इंडिकेटर है उसमें बिहार के लिए कोई एडवांटेज ही ऐसे नहीं है क्योंकि उसमें एक रहता है साइज ऑफ द स्टेट ज्योग्राफिकल साइज, हमारे जैसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट के लिए साइज ऑफ द स्टेट डिसएडवांटेजेस होता है, बल्कि हमारे यहाँ उल्टा प्रॉब्लम है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हमारे लिए कई एक डेवलपमेंट प्रोग्राम करना डिफिकल्ट। अपार्ट फ्रॉम वर्टिकल डिस्ट्रिक्टमेंट इतना ही रिसोर्सेज ट्रांसफर करेगा जितना बचेगा उनका अपना नीड पूरा करने के बाद और ये बात थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, आपका नीड क्या है तो आप इकोनॉमिक इंक्रीजिंग एज वी से दैट हमारे काम इतना ज़्यादा है डिफेंस के लिए या इंटरनेशनल के लिए कि हमारे पास ज़्यादा नहीं बचता है, खैर वो तो क्योंकि इस बार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जिसमें काफ़ी जोर दिया गया है कि पब्लिक यूटिलिटीज नॉन टैक्स रेवेन्यू हर स्टेट का एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ होना चाहिए जो बिहार में भी कम है बाकी राज्य में भी कम है, हो सकता है हम लोग को ज़्यादा ही करना नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि इस बार का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि जितने राज्य है वो टैक्स रेवेन्यू के अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू को जमा करने के लिए इकट्ठा करने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक इम्पोर्टेंट होता है कि अब जितने सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसका सब्सिडी, आई मे नॉट एक्सपेक्ट 100% ऑफ द चार्जेस क्योंकि सब्सिडी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल लिटरेटी बन जाए, इस पर टर्म्स ऑफ कंडीशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। नेक्स्ट आप लोग देखे होंगे अगर कंपेयर किया जाए 12 और 13 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था जहाँ तक वर्टिकल होता है वो डिविजिबल पूल का जो साइज है वो थोड़ा ज़्यादा किया गया था जिसमें जिसका लाभ सारे राज्यों को मिलता है, लेकिन जहाँ तक हॉरिजॉन्टल का सवाल था अनफॉर्चुनेटली 13 फाइनेंस कमीशन ने जो हम लोग को शेयर था
वो 12th के कंपैरिजन में अंदर से 12th में था 11.028%, 13 में उसका घट के होता 10.91%। फॉर्चुनेटली इसी की साइज ऑफ दी डिविजिबल फोर्सेज ज़्यादा हो गया था, ये रेशियो घटने के बावजूद भी टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांसफर जितना हुआ था उसमें एब्सोल्यूट टर्म में हम लोगों को वृद्धि हुआ था। लेकिन हम लोगों को कोशिश करना चाहिए इस बार सरकार पक्ष ये लक्ष्य के लिए कि ये हॉरिजॉन्टल डिविजन में हमारा जो शेयर है वो सफिशियंट। आप ये भी बता दें कि जो 10.91% है बिहार का पॉपुलेशन है इंडिया का पॉपुलेशन का करीब 8.5%। 8.5% पॉपुलेशन की अगर आप 10% रिसोर्सेज दे रहा है तो मात्र 1.5% तक ज़्यादा है। तो इतनी जद्दोजहद के बाद अगर आप 1.5% हमको ज़्यादा दे रहा है तो हमको आपको खास नहीं दे, हमारे इतने कमजोरी है, हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज है, पॉलिसी डिसएडवांटेज है। बावजूद उसके 8.5% पॉपुलेशन के लिए अगर आप 10% रिसोर्सेज दे रहा है तो इट इज़ नॉट फेयर। ये कहता है कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन इक्वलाइजिंग होता है लेकिन इतना मार्जिनली इक्वलाइजिंग होता है कि उसका असर गरीब बच्चे पर दिखाई नहीं पड़ता। थोड़ा सा आपने दे दिया जो मेरे नीड को किसी भी हालात से पूरा नहीं कर पा रहा है। फाइनली हम बता दें आप लोगों से कुछ राय लेकर के हम लोग ज्वाइंट मेमोरेंडम तैयार करेंगे। ये जो ज्वाइंट मेमोरेंडम तैयार करेंगे उसका 5 चैप्टर हम लोगों ने सोचा पिछले जो मेमोरेंडम के अंदर उसका फर्स्ट चैप्टर में हम लोग लिखेंगे जो इस प्रॉब्लम मैंने बता रहा था कि रीजनल इनइक्विटीज इंडिया और इंक्रीज, इस बात को बार बार फाइनेंस कमीशन के सामने रखना है। एंड फाइनेंस कमीशन इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस रिसोर्स इनइक्विटी को घटाने के लिए। आप बैंक को नहीं कर सकते कि आप ईस्टर्न रीजन पे क्या दीजिए, बिहार पे क्या दीजिए। प्लानिंग कमीशन को कह सकते हैं लेकिन प्लानिंग कमीशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो हाई आर्बिट्री होता है। ये सरकार जो केंद्र सरकार है या बैंक उठाते हैं, लेकिन फाइनेंस कमीशन जो होता है बिकॉज इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इसका जो भी रिकमेंडेशन होता है वो मैंडेटरी होता है। तो फाइनेंस कमीशन में विशेष रोल रहता है रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के। पहला, सेकेंड और थर्ड चैप्टर में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि क्यों बार उनको दिया गया है उसमें बिहार की तरफ से क्या क्या डिफिकल्टी हो सकता है, खास करके नॉन टैक्स टेलीविजन कलेक्टर में हम लोग को क्या खास डिफिकल्टी होता है। थर्ड में हम लोग कहेंगे फिर ये बात एक्चुअली दोहराया जाएगा लेकिन कोई उपाय नहीं है कि बावजूद पिछले आपका जो भी सेंटर मिलता है या हम अपने प्रयास किए हैं, अपने प्रयास से इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 10% होने के बावजूद भी हमारा बैकवर्ड देश में कंपेयर टू अदर स्टेट कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका एक लिमिटेशन है, उसके बाद इसका इम्पैक्ट सोशल सेक्टर पर होने का चांसेस कम होता है। एंड फाइनली हम लोग 5वां चैप्टर में रखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया होता है जिसमें मैं बता रहा था कि एरिया के बारे में जोर नहीं देना चाहिए। आपके पास बहुत लंबा है, बहुत लार्ज एरिया है लेकिन उसको कोई पॉपुलेशन नहीं है, उसके लिए आपको खर्चा क्या होगा। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एरिया है लेकिन जंगल ही जंगल है, उसमें आपको खर्चा क्या होगा। अब दूसरा बात, इसमें सरकार प्रमिशन किया है कि 71 के बाद से जितने फाइनेंस कमीशन हुआ पॉपुलेशन का जहाँ तक सवाल है 1971 पॉपुलेशन को ही बेस माना गया। अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रदेश जहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अभी तक नहीं हुआ जिसमें बिहार एक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कि 1971 40 साल पुराना इंडस्ट्री का आप काम करते हैं इसका कोई औचित्य नहीं। आप लोग को उस मानदंड को चेंज करके लेटेस्ट हमारे पास 2011 का फिगर है उसको यूज करना। मान लेते हैं कि अगर हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नहीं हुआ इससे हम लोगों को कमी है, मैं उसे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ये कमी तो बहुत जगह है। अब बाकी जगह तो आपको पुराना फिगर नहीं लेते हैं, सिर्फ पॉपुलेशन में ही आप फिर पुराना फिगर लेते हैं, बाकी जगह तो रिसेंट फिगर लेकर काम करते हैं, इसलिए भी हम लोग रिसेंट फिगर लेकर काम करते हैं। ये दो बिंदु पर हम लोग उसमें कुछ उसमें डालेंगे फाइनेंस कमीशन के कंसिडरेशन के लिए।
धन्यवाद। मोटा मोटी स्तर पर हम लोग यही सोचे थे, पर आप लोग जो बोलेगा हम लोग धीरे धीरे उसको शामिल करके मेमोरेंडम को स्टेबल करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आद्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने लगातार 12-14 और फिर 14 फाइनेंस कमीशन के लिए ऑल पार्टी कंसेंसस बनाने की कोशिश की है, और ये एक अच्छा प्रयास है। और जनता दल यू की तरफ से जो दो चार बातें जो हम खास तौर पे समझते हैं कि एक तो जो 14 फाइनेंस कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन आए, एक तो उसका एक कुछ क्लियर खास ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड होना चाहिए, जो आम पर होता नहीं। आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है 14 फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन करती है या करेगी, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या होना चाहिए? तो मेरे समझ से एक ऑब्जेक्टिव खास तौर पर ये होना चाहिए, और जैसा कि घोष साहब बता रहे थे कि लगातार पिछले दिनों में जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे इंटर स्टेट डिस्पैरिटी जो है लोमेंट का या इस तरह का वो लगातार बढ़ते जा रही है, या उसमें हमारा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा तो जनता दल यू चाहती है कि सबसे पहले एक इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तय हो, और उसके तहत जो राज्य के विकास, हर इंडिविजुअल राज्य के विकास, उसमें इक्विटी आना चाहिए कि जो राज्य पीछे हैं उनको अधिक विकास करने का अवसर या मदद मिलना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखें। इसलिए पहली बात वो है। दूसरी बात जो आपने कही रघुराम राजन कमेटी की, उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। हम समझते हैं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब लोग अवगत हैं कि जनता दल यू बिहार को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगातार हम लोगों ने अभियान चलाया है, और यूँ तो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये उसी का नतीजा है कि आज रघुराम राजन कमेटी बनी और उसके कुछ रिकमेंडेशंस आए हैं। साथ में हमें खुशी है कि आप भी उसके सदस्य थे, आपने कुछ बातें नहीं भी आपकी मानी गई, लेकिन फिर भी जो उसके रिकमेंडेशंस आए हैं और उसके आधार पर जो एक कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कही गई है और उसमें हैं हम लोग सेकंड हैं, तो उसके आधार पर इसको विशेष सुविधा देने के जो मापदंड बन सकते हैं, उसका जो तरीका हो सकता है, चाहे पीछे के समय में चाहे गठित फार्मूला ही में जो फार्मूला बनाए, लेकिन फार्मूला ऐसा बनना चाहिए कि जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं, चाहे आपके रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट हो या वैसे भी हम लोग तो बिल्कुल बिहार की स्थिति को एकदम आदर्श स्थिति मानते हैं कि हमें विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और ये हम लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं। इसलिए इसका हम लोगों के तरफ से स्पष्ट उल्लेख रहे कि बिहार का जो पिछड़ापन है और यहाँ की जो स्थिति है, इसमें हमें विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और कुछ चीज़ें खास तौर से हैं कि जैसे कैलामिटी रिलीफ फंड है, बाकी जगह तो कहीं अलग अलग कोई कैलामिटी आती है तब उस फंड का यूज होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक कैलामिटी, वो समझिए अस्थाई कैलामिटी है, फ्लड्स। और वो फ्लड के लिए हम लोगों ने भी बार बार इस बात को पार्टी के तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी उठाई जाती रही है कि फ्लड के मामले में बिहार की एक विशेष स्थिति है, और वैसे भी ये कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर में ये एक स्थापित मान्यता रही है कि किसी भी प्रदेश को या उस देश के किसी हिस्से को अगर कोई समस्या अंतर्राष्ट्रीय कारणों से आती है या वहाँ पे उत्पन्न होती है, तो उसको मीट करने का सारा सारा एक्सपेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट बियर करती है। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में जो बाढ़ आती है
वो मुख्य रूप से नेपाल से और बाहर से आने वाली नदियों के कारण आती है। हम लोग उसका कोई स्थायी समाधान चाह के भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इशू हो जाता है और भारत सरकार के माध्यम से उसमें जाने की बात होती है, फिर उसमें नेपाल की स्थिति, राजनीतिक स्थिति और वहाँ की स्थिति का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसमें बात बढ़ नहीं पाती है। तो हमारा ये है कि खास तौर से बिहार के मामले में या कहीं भी ये स्पेसिफिक मतलब इसमें आना चाहिए कि चूंकि हमारे ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, हम चाह के भी इसको हम अगर सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल हम ही नहीं जिम्मेवार हैं, इसलिए इस तरह के लिए कैलामिटी रिलीफ फंड में फ्लड का विशेष रूप से ये होना चाहिए। और उसी तरीके से जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में जो हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं, फ्लड से ही रिलेटेड मामला है, उसका भी बड़ा रोल होता है। हम लोग जैसे जितना हमारा 68 लाख हेक्टेयर फ्लड प्रोन एरिया था, उसमें लगभग 30 लाख हेक्टेयर को हम लोग सुरक्षित कर पाए हैं, और ये एम्बैंकमेंट्स के माध्यम से। तो ये एक परमानेंट फिजिकल हमारा स्ट्रेंथ है, और इसको मेंटेनेंस के लिए जैसे रोड और अलग अलग मेंटेनेंस पॉलिसी बनती है, आप प्रोविजन करते हैं उसमें, और जो एक एलोकेशन का हिस्सा उसके लिए तय करते हैं, तो एम्बैंकमेंट एसेट के रूप में इसके मैनेजमेंट का भी प्रोविजन होना चाहिए और ये उसमें आना चाहिए। और दूसरा, जैसा कि खास तौर से शिक्षा के बारे में हम लोग चाहते हैं जनता दल यू की तरफ से कि प्राइमरी एजुकेशन पे, एलिमेंट्री एजुकेशन पे तो काफ़ी जोर हो चुका है और उसमें उसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आए हैं और हर जगह दिखने भी लगा है, लेकिन अब हम लोग सरकार ने भी और पार्टी ने भी ऐसा मान ली है कि अब हमारा फोकस सेकेंडरी एजुकेशन पे होना चाहिए। और हम लोगों ने सरकार के तरफ से भी किया है कि हर पंचायत में जैसे एक उच्च विद्यालय हाई स्कूल खोलने का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये 14 फाइनेंस कमीशन इस बात का संज्ञान ले, कॉन्विजेंस ले कि अब हमारा फोकस एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ या तथा हटकर सेकेंडरी एजुकेशन के तरफ हम लोग अपना फोकस शिफ्ट करें। और फिर अगली बात तो जो हमारे घोष साहब बता ही रहे थे कि आखिर हम लोग हर फिगर पॉपुलेशन में 1971 के ही फिगर्स को क्यों लेते हैं, इसलिए हम लोग को इस बात को स्ट्रांगली कहना चाहिए कि अब तो 2011 के फिगर्स आ गए हैं, इसलिए हम लोग को वो लेना चाहिए। और जैसे 13th फाइनेंस कमीशन में खास के विभाग से हम संबंधित हैं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए हमें 330 करोड़ रुपया उसमें इर्माक किया गया था, और पूरे देश में जो रिवर्स के इंटरलिंकिंग योजनाएं हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग, हमारा प्रदेश उसमें सबसे आगे पूरे देश में, हमारा जितना एडवांस स्टेज में हमारी स्कीम्स हैं उतना किसी प्रदेश में नहीं। NWDA की बैठक जब भी होती है तो भारत सरकार इस बात को अप्रिसिएट भी करती है, इसलिए हम चाहते हैं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में जो 13th फाइनेंस कमीशन ने भी माना था, इसको 14th फाइनेंस कमीशन में और इसका साइज बढ़ा के हम लोगों को उसमें मदद मिलनी चाहिए। और इसी तरीके से फिर जो हम लोग पार्टी के तरफ से इसलिए फोकस इसमें हेल्प या इसमें प्रोविजन किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों में जो प्रयास हुए हैं उससे ये खुशी की बात है कि बिहार में थोड़ा ही सही लेकिन कुछ ग्रीन कवरेज इंक्रीज किया है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है। हम चाहते हैं कि इसको फोकस में, हमारी पार्टी जनता दल यू चाहती है कि इसको फोकस में ला के इसको और मतलब फोकस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। और हम लोग पार्टी के तरफ से भी इसमें जो भारत बिहार अभियान चलाया है वो भी काफ़ी सहायक हुआ है, इसलिए इसका इसमें विशेष 14th फाइनेंस कमीशन में इसकी स्थिति बननी चाहिए। और इसी के साथ अंतिम बात, हम चाहते हैं कि जो पावर सेक्टर है इसमें ऑफ ग्रिड जो हमारा पावर जनरेशन का तरीका है, चाहे जो भी है सोलर है या जो भी है,
इसमें जो पीछे के समय में हुए हैं उसके भी सकारात्मक नतीजे दिखने लगे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें थोड़ा और इसका वॉल्यूम बढ़ा के इस सेक्टर को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथन और मदद देने की व्यवस्था हो, यही सब कुछ चाहते हैं। चल इसको इंक्लूड करा के फिर आगे जब आप बनाएंगे तब फिर हम लोग बात करें। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनने के पहले ही हम लोग एक मेमोरेंडम से नहीं, ये समझ के लेकिन आता नहीं है कि आखिर इतना 2011 का हो गया, हम लोग 13 में आ गए, अभी तक वो 71 का चला रहे हैं। वो सर डिलीवरेटली फ्रीज कर दिया, क्योंकि जो डेवलप्ड स्टेट्स है वो कंप्लेन करते हैं कि भाई हम जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग डिसएडवांटेज, तो इसलिए वो एक फ्रीज कर दिया गया था। मगर इस बार वो लोग रिविजिट करने का बात सोच रहे थे, किस ढंग से वो फाइनली होगा आखिर हर इंडिविजुअल तक बात नहीं पहुंचेगी तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा जी? इंक्लूसिव का क्या माने होगा? जो डेवलप्ड है वो अपना ही इंटरेस्ट देखते हुए आगे उसी के हिसाब से पॉलिसी बनते रहे। देख ले इसको जी सर, फाइनेंस कमीशन के लिए आपने पहल की और सभी दलों को और एकजुट करने का प्रयास किया है, इस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा और जो ज्वाइंट मेमोरेंडम बनेगा उसमें सभी पार्टियां मिलकर पहले के समान और अपना ज्ञापन देने का काम करेंगे। मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा, बाकी हम लोग लिखित रूप में बातों की ओर देंगे। एक तो हम सबों को मालूम है कि ये जो वित्त आयोग उसमें सबसे बड़ा योगदान डबलिशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस का है, जो केंद्रीय कर है उसका कितना हिस्सा का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए राज्यों के बीच में। जैसा कि पीपी घोष साहब ने बताया कि 13th फाइनेंस कमीशन ने 32.5% डबलिशन करने का प्रावधान किया, 100 रुपया अगर करोड़ में संग्रह होता तो 32.50 रुपया राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। तो पिछले बार भी और देशभर के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी और उसमें एक ज्वाइंट मेमोरेंडम दिया गया था भारत सरकार को, पता नहीं इस बार वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसमें सभी राज्यों ने मिलकर एक डिमांड किया था कि 50% जो है वो राज्यों को मिलना चाहिए, यानी जो स्पेसिफिक ग्रांट्स है वो राशि बहुत कम 14,000 करोड़ की बनी, लेकिन आपको जो पिछले बार में मिला है केंद्रीय करों में बिहार को जो हिस्सा मिला 1,58,000 करोड़, तो यही राशि जब बढ़ेगी तब हम लोग, अरे अनटाइड है इस पैसे का इस्तेमाल हम किसी काम कर सकते हैं। तो सारा खेल इस बात पर है कि केंद्र की सरकार जो करों का संग्रह करती है उसका कितना हिस्सा राज्य के बीच में चुप किया जाए। तो सभी वो कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी, सभी लोगों ने मिलकर एक मांग किया था केंद्रीय वित्त मंत्री से कि 50% जो है वो सेंट्रल टैक्सेस का वो राज्यों के बीच में वितरित किया जाए। और शायद हम लोग अपने पिछले बार अपने डिमांड में भी डाला है बिहार की ओर से, मुझे लगता है कि इसको इस बात पर आग्रह बनाए रखा जाए कि 50% डिवोल्यूशन यह राज्यों को किया जाए, तभी बिहार को भी ज्यादा मिल पाएगा। और दूसरा ये जो शेयरिंग है टैक्सेस की, इसमें भारत सरकार जो नॉन टैक्स रिसीट है जैसे स्पेक्ट्रम से जो आमदनी हुई, स्पेक्ट्रम जो है उसके नीलामी से जो आमदनी हुई उसका वितरण नहीं करती, केवल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और एक और टैक्सेस जो है, तो नॉन टैक्स जो रिसीट्स है और साथ ही साथ सेस और सरचार्ज जो भारत सरकार सेस लगाती है और सरचार्ज लगाती है उसका वितरण राज्यों के बीच नहीं किया जाता है। तो इस तरह के सेस सरचार्ज और नॉन टैक्स रिसीट इन सबों को मिलाकर जो जो राशि है उसका वितरण सभी राज्यों के बीच किया जाए, और जैसा पिछले बार सभी राज्यों ने मिलकर निर्णय लिया था और ज्ञापन दिया था 50% राज्यों को मिलेगा तभी बिहार को भी लाभ मिलेगा और अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा। दूसरा है कि दूसरा है कि पंचायती राज संस्थाओं को और अर्बन लोकल बॉडीज को ये केंद्र की सरकार ग्रांट देती है,
और आज भी राज्य राज्य जो सबसे ज्यादा ग्रांट मिलता है पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को, वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया ही ग्रांट मुख्य रूप से मिलता है, एक बड़ी राशि है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरा सुझाव ये होगा कि जिस तरह से हम 50% की मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय करों में राज्यों को ऐसा 50% होना चाहिए, उसी प्रकार केंद्रीय करों का 4% वह केवल अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज संस्थाओं के बीच में वितरित किया जाना चाहिए। और चार मांग करें कि पांच मांग करें कि तीन मांग करें, अभी कोई इसका फॉर्मूला डिराइव नहीं है। जैसे 32.5 तय हो गया तो एक फॉर्मूला तो बन गया और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बनता है। तो मेरा ये सुझाव होगा कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के लिए वित्त आयोग केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्से का 4% जो राशि होती है उसका वितरण जो है राज्यों के बीच में इन कामों के लिए किया जाए। तीसरा एक महत्वपूर्ण है ऋण के बारे में, और आपको जानकारी भी होगी कि यानी प्रति वर्ष बिहार को करीब 11-12 में 4,303 करोड़ रुपया और केवल ब्याज के भुगतान के रूप में करना पड़ा, यानी हम लोगों ने जो कर्ज लिया अभी तक है उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है दैट कम्स अबाउट 4,303 करोड़ फॉर 11 का, और 13-14 का अनुमान है कि हमको करीब 5,800 करोड़ रुपया केवल ब्याज भुगतान के रूप में और हमको पे करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी राशि है। मैं विस्तार से नहीं कहूँगा, अभी मैं कुछ इतना ही कहूँगा। इसमें अगर राज्यों को राहत मिलती है ताकि ब्याज का भुगतान उनको कम करना पड़े तो जो राशि बचेगी उसका इस्तेमाल आप दूसरे कामों में कर सकते हैं। और मैं आंखें देख रहा था और आपको अवसरों को मानने कि अब भारत सरकार राज्यों को किसी प्रकार का कर्ज नहीं देती, लेकिन अभी तक हमारा जो पुराना कर्ज है भारत सरकार का उससे हम तो करीब 403 करोड़ रुपया और ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा 13-14 में। अगर कम से कम मैं तो ये मांग करूंगा कि जो ब्याज का भुगतान है तो बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य को कम से कम 3 साल जो है और उसको मॉरेटोरियम 3 साल तक भुगतान करने पर कहती जाए कि 3 साल तक हम भुगतान न करें ताकि वो 4,000-5,000 करोड़ रुपया हुआ है और दूसरे कामों में खर्च कर पाएंगे विकास के कामों में, और उसमें कुछ लोन वेवर करना चाहिए। अब डिटेल्स आगे बैठेंगे तो उस पर हम लोग बैठ कर विचार करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो NSSF का जो लोन है, ये लघु बचत योजना जो है, ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो बचत योजना चलती है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हमको देना पड़ता है और ये हमारी बाध्यता है कि आपको ये लोन लेना ही पड़ेगा 18%। तो मैं आंकड़े देख रहा था, हमको 13-14 में करीब 2,000 करोड़ रुपया केवल लघु बचत योजनाओं से जो हमको ऋण लेने की बाध्यता है उसके ब्याज भुगतान पर हमको खर्च करना पड़ेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमको NSSF के लोन को कम लेने के लिए प्रावधान किया जाए, हमारी बाध्यता न रहे, और मार्केट से हम जो लोन लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम, 7% है, 6.5% है। तो यानी कहने का तात्पर्य यह कि जो बिहार सरकार को ऋण ब्याज के रूप में लगभग 5,887 करोड़ का देना पड़ेगा 13-14 में, और आगे आने वाले वर्षों में ये बढ़ता चला जाएगा और 15 से 20 में देखेंगे तो 7,000-8,000 करोड़ तक ये पहुंच जाएगा। तो ये लोन वेवर और इंटरेस्ट मॉरिटोरियम मैं विस्तार से तो बाद में जब आप तैयार करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे, लेकिन ये एक मेरा सुझाव था। तीसरा एक मेरा सुझाव है कि इस बार के टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो FRBM एक्ट है उसको रिविजिट करने जा रही है 14th फाइनेंस कमीशन, ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है, यानी कितना ऋण हम ले सकते हैं, तो ये मनमाना ऋण हम नहीं ले सकते, हमको बाध्यता क्योंकि संसद के कानून से। अब इंदिरा आवास योजना ये किसी कानून के तहत नहीं है या मिड डे मील स्कीम किसी कानून के तहत नहीं, केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन मनरेगा या खाद्य सुरक्षा कानून ये बाकायदा भारत सरकार का संसद के द्वारा पारित कानून है
जिसको राज्यों को लागू करना है, तो केंद्र की सरकार ने संसद से कानून तो पारित करा दिया, लेकिन अब राज्य जब उसको क्रियान्वित करने जाते हैं तो बहुत बड़ा बोझ राज्यों पर पड़ता है और उसमें केंद्र की मदद बहुत कम होती है। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने इस मेमोरेंडम के माध्यम से यह मांग करें हम कि जो भी लेजिस्लेशन बेस्ड स्कीम्स है, जो कानून पर आधारित, संसद के द्वारा पारित कानून पर आधारित जो योजनाएं हैं, उसका बोझ क्रियान्वित करते समय राज्यों पर कम से कम पड़े और उसकी जो शेयरिंग है वो उसमें मदद करे केंद्र की सरकार। ये तो खाद्य सुरक्षा कानून आ गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, मनरेगा आ गया, और राज्य सरकारों का अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उसको इम्प्लीमेंट करने में जो है और देना पड़ रहा है। मित्रों, ये कुछ मेरे सुझाव थे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, उस पर मतभेद हो सकते हैं, कि जो रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट है वो किसी भी दृष्टि से बिहार के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसने, मैं अभी उससे डिबेट नहीं करूँगा, क्योंकि उसने बिहार जैसे पिछड़े राज्य को 10 राज्यों की श्रेणी में शामिल कर दिया। होना तो ये था कि बिहार जैसे राज्य को 3-4 राज्यों का एक अलग ग्रुप होता तो ज़्यादा मदद हम दे सकते थे। अब यूपी भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, राजस्थान भी आ गया, यानी केंद्र की सरकार अगर कोई मदद करना चाहेगी तो केवल बिहार उड़ीसा को नहीं कर सकती, उनको 10 राज्यों को करना पड़ेगा उसको मदद दे। तो इसलिए रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट से बिहार को लाभ होने के बजाय बिहार को नुकसान हो गया है। सिर्फ उसका किस तरह से रेफरेंस देना, कितना रेफरेंस देना, इसको सोच समझ कर, ताकि बिहार के हितों का नुकसान नहीं हो। और एक अंतिम बात मैं जरूर करना चाहूँगा कि हम सब विशेष राज्य के दर्जे के पक्ष में हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी थोड़ी समझदारी है वित्त मंत्री रहते हुए, कि फाइनेंस कमीशन का कोई दूर दूर तक उसका विशेष राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मांग करने की तो कुछ ही मांग कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मैंडेट है, उसका जो दायरा है, उसके दायरे में यह विशेष राज्य का दर्जा देने का अधिकार NDC को है, केंद्र की सरकार को है, अन्य माध्यमों से, यह वित्त आयोग के दायरे के बाहर की चीज है। वित्त आयोग का काम केवल केंद्रीय करों में कितना हिस्सा मिलेगा इसका बंटवारा करना, ग्रांट्स क्या मिलेगा राज्यों को इसके बारे में बताना, और कोई स्पेसिफिक स्कीम्स वगैरह के बारे में, वो इतना ही उसका दायरा, उतना ही उसका मैंडेट है। इसलिए हम सब लोग विशेष राज्य के पक्ष में हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरी समझदारी की शायद वो वित्त आयोग के दायरे के बाहर आएगा। दूसरा और अंतिम बात, कि हम सब लोगों के प्रयास से पिछले बार लगभग दुगनी राशि बिहार को मिली है, यानी आप अगर देखेंगे तो 12वें वित्त आयोग में हमको 80,000 करोड़ मिला बिहार को लगभग, एग्जैक्ट 1,000 करोड़ तो कम हो सकता है, और 13वें वित्त आयोग ने बिहार को लगभग 75,000 करोड़ मिला था 12वें वित्त आयोग से, ग्रांट्स और टैक्स डिवोल्यूशन मिलाकर, और 13वें वित्त आयोग से 1,72,000 करोड़ हमको मिला है या मिलेगा, यानी लगभग 75,000 करोड़ मिला 12वें वित्त आयोग से, और 13वें वित्त आयोग से हमको 1,72,000 करोड़ हमको मिलने वाला है अगले 2 साल मिलाकर। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए शिवा जी कि ये 14th फाइनेंस कमीशन से, यानी 17 × 34, यानी 4,00,000 करोड़, यानी आज सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, क्योंकि जब तक आपको मिलेगा 2015 से 20 तब तक इन्फ्लेशन वगैरह सब मिलाकर, और पिछले हर एक आयोग में आप देखेंगे, 1-2 आयोग को छोड़ दीजिए, तो पिछले आयोग की तुलना में अगले आयोग ने बिहार को ग्रांट्स और डेवोल्यूशन मिलाकर लगभग दुगनी राशि का प्रावधान किया है। तो मैं ये आग्रह करूंगा, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट, हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी थोड़ी बहुत समझदारी के आधार पर काम करते हैं, तो हम लोगों का इस सबका ये प्रयास होना चाहिए कि अगर 1,72,000 करोड़ अगर हमको 13वें वित्त आयोग ने हमको दिया है, जो 12वें की तुलना में दुगने से ज्यादा राशि है, तो 14th फाइनेंस कमीशन से डिवोल्यूशन और ग्रांट्स के माध्यम से बिहार को कम से कम 4,00,000 करोड़ किया, इससे ड्राफ्टिंग ऐसी हो, डिमांड इस प्रकार से किया गया, और यह हमारा नेचुरल क्लेम बनेगा, क्योंकि इसके पहले भी इसी प्रकार से हमको मिलता रहा है। तो मुझे लगता है कि 4,00,000 करोड़ अगर हमको 2015 से लेकर 20 के बीच में अगर मिलता है,
जो भी सरकार होगी 2015 के बाद, कोई एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, कोई भी सरकार रहे, बिहार को उसका लाभ मिलेगा। इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर इस बात के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और एक जो स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट होता है उसके अंदर हम लोग भी सुझाव देंगे, उसमें राज्य सरकार की भूमिका ज़्यादा है कि किन किन क्षेत्रों में और ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। तो ये कुल मिलाकर कुछ सुझाव से मैंने देने का प्रयास किया। आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि लिखित तौर पर भी अपनी कुछ बातों का। एक्सेलेंट सर, इंडिपेंडेंस के पहले 60-40 का रेशियो, 75-25 का रेशियो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का रेवोल्यूशन, ये अभी भी पाकिस्तान में मेंटेन है। मगर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ ऑल्टर हो गया, 25-75 एक समय था, अभी थोड़ा बढ़ करके वो 32 हो। इसलिए हम लोग को एक जरूर प्रयास करना चाहिए, कम से कम 50% जरूर ही करना चाहिए, अदरवाइज हम लोग का जो ओवरऑल स्थिति है वो कम। हम समझते हैं कि मोदी जी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव कि अपार्ट फ्रॉम द टैक्स रेवोल्यूशन, नॉन टैक्स वाला जो है उसके विषय में, इस अगर हम लोग एक चैप्टर के रूप में या एक अलग मोड के रूप में, तो उसका रेवोल्यूशन में क्योंकि जो सेस होता है वो शेयर नहीं होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसलिए या और जो दूसरा दूसरा है सरचार्ज जो है वो सब ये नहीं होता, शेयर नहीं होता, इसलिए वो सबको हम लोग को ध्यान देना है, जिसमें कि हम लोग का अल्टीमेट किटी बढ़े। हम लोग का एक टारगेट रहना चाहिए कि 400 करोड़ हम लोग को मिल जाए, 400,000 करोड़ हम लोग को मिल जाए। धन्यवाद सर, विल बी टेकिंग ऑल दोस। पिछले बार असीम दास गुप्ता ने पहल किया था, सभी वित्त मंत्रियों के द्वारा मिलकर एक मेमोरेंडम बना था, देशभर के जो कॉमन बातें थे वो भारत सरकार को दिया गया था, जिसमें से डिवोल्यूशन सभी राज्यों के हित में अगर 50% हो जाए। जब तक कि आप अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बदलते तब तक कि बिहार विल नॉट पार्टिसिपेट इन योर डिस्कशंस। First we change it because we feel that here we have been deprived to have our rights. So first we change it. Then either the government will participate or we will participate. So you change your stand. जैसे कहा ना कि और जगह पर 2011 का की जनसंख्या को मद्देनजर फैसले हो रहे हैं और हमारा जो है 71 का कर रहा है, ऐसा नहीं चले। तो उस मामले में तो निश्चित रूप से तो उनको फर्म स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल कोई किसी पार्टी का नहीं पार्टी है, सवाल है राज्य के अंदर का। तो वहाँ पर यदि आप प्रतिनिधि संस्था हैं, चाहे सरकार हो या संस्थाएँ, तो जनता के बिहाफ में स्टैंड लेने के लिए तो आपको ये करना चाहिए। आप चेंज करके आइए तब हम आपसे बात करें, नहीं तो अगर आप नहीं चेंज कीजिएगा तो आप यही जो फैसला करना है, जो जो है आपको एजुकेशन करना है कीजिए, हम नहीं चेंज कर सकते, हम नहीं आपको एडवाइस करते, आप चेंज कीजिए। दूसरा मुझे लगता है कि तमाम तरह के, जैसा विजय जी ने कहा कि बाढ़ सुखाड़ किया, ये सच है कि अस्थायी रूप से हंगार बाढ़ बड़ा कारण। तो स्वाभाविक है कि दूसरे राज्यों में जिस तरह से विकास के लिए विशेष आप लोकेशन करते हैं, तो लगातार तौर पर इस बाढ़ की समस्या से निजात के लिए केंद्र सरकार विशेष रूप से एलोकेशन पर, उसके लिए जैसा आपने कहा जो भी करना है सो कर। तीसरी बात है कि अगर सचमुच बिहार को आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलना है तो उसमें हमारे पास सबसे बड़ा एसेट्स है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए जब तक कि कोई प्लान, कोई योजनाबद्ध ढंग से प्रयास नहीं होता है, तब तक के तो कुछ खास बात नहीं बन सकती। तो उसमें जैसा विजय जी ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में काफ़ी कुछ हुआ है, अब माध्यमिक शिक्षा की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसके साथ साथ खास तौर से जॉब ओरिएंटेड रोजगार उन्मुख शिक्षा है, जिसके कारण कि जो बेरोजगार लोग हैं वो कम से कम टेक्निकल नो हाउ गेन करें, ताकि बिहार में अगर उनको काम नहीं मिलता है तो दूसरे राज्यों में करें, दूसरे राज्यों में करें, विदेश में जाकर करें, मगर कहीं ना कहीं वो इसके लिए कैपेबल हों, ताकि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को अप्लाई कर सकें। इसके लिए निश्चित रूप से प्लान आउट करके इसको करना चाहिए। उसी तरह से चूँकि बिहार
एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अप्रोच हो सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मामला हो सकता है, फल और सब वगैरह के परिष्करण का मामला हो सकता है, तो उसके लिए स्पेशल एलोकेशंस की बात होनी चाहिए। मोदी जी ने ठीक कहा, केंद्र सरकार की योजना है, हमारे पास संसाधन नहीं, हम कैसे लागू करें? तो लाजमी तौर पर आपकी अच्छी योजना है, वेलफेयर स्टेट्स में जो सरकार को करना चाहिए, आपने अच्छा किया है कि सब शिक्षा मिले, सबको भोजन मिले, अच्छी बात है। लेकिन हमारे कंडीशंस को आप देखिए, अगर हम नहीं खिलाने की स्थिति में हैं, नहीं देने की स्थिति में है, तो पैसे तो दीजिए ना, ठीक है, अच्छी बात है। इसके साथ साथ मुझे लगता है जैसे केंद्र सरकार मानवीय वेलफेयर के लिए स्कीम्स बनाती है, राज्य सरकारें भी चलाती हैं, बट इसमें कुछ स्पेशल एलोकेशंस की बात होनी चाहिए हमें कमीशन के साथ, कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं उसके जो कंडीशंस हैं उसको डेवलप करने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए कुछ योजनाओं की बात होनी चाहिए, उसके लिए स्पेशल एलोकेशंस केंद्र सरकार मतलब फाइनेंस कमीशन को प्रोविजन करना चाहिए, ताकि वो जो डिप्राइव्ड सेक्शंस है उस डिप्राइव्ड सेक्शंस को थोड़ा और बेहतर ढंग से डेवलप किया जा सके। बाकी मैक्सिमम तो चूंकि मोदी जी खुद ही रहे हैं, सरकार चलाए हैं, उन्होंने बहुत कुछ रखा है, एंड बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदरी का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है, और खासतौर से जिस तरह से यू आर टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट how best can be done for this day. So I really salute you. Thank you, sir. Ek hi just point karna chahenge ki abhi at terms of reference ko lekar hum log petition nahi de ki shayad abhi sambhav nahi hai, magar hum log koshish karenge ki 50 finance commission mein sahi hai, hum log baat nahi karenge aapke sath, bhai hum log denge hi nahi petition, ha theek hai, ye bahut acha idea hai, usko hum log change kar denge jab unilateral aapka faisla hai तो हम कहा आप चल जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं चेंज का किसी का है, लेकिन जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो क्वेश्चन हम लोग डिनाट है वो तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो लिख सकते, तो उन्हें नहीं उतरी नहीं और सब फर्म स्टैंड की जरूरत है, सच्चाई है कि फर्म स्टैंड जब तक आप नहीं लीजिएगा तब तक इवन नॉट बी टेकन इन टू कंसीडरेशन, हम स्टैंड लेते हैं और उसमें सभी को सब किसी को यूनाइट असाइन करना चाहिए। 100% वेलकम यू सर। अजय जी, सहवाल जी, और आदि को और लोगों की तरह धन्यवाद देता हूँ। हम उनके जो बिहार के ग्रोथ से जो जुड़ा मामला है, बिहार के ग्रोथ से ही नहीं, आप तो रघुराम कमेटी में भी थे, बहुत स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है बिहार का, शायद पता चला मुझे कि आपने कुछ ऑब्जेक्शन भी किया था कि वीजा को क्यों इससे नीचे रखा है, आई डोंट नो द होल स्टोरी, बट आई हैव कम टू नो इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम 10 की जो ग्रुपिंग है उसमें अंडर डेवलप्ड स्टेट्स की, तो 10 में से आई डोंट नो कि कितने किस पैरामीटर को आपने चुना है नीचे का ग्रुपिंग करने का, लेकिन नीचे से 4-5 की एक अलग ग्रुपिंग अगर बनने के लायक हो, कैपेसिटी है प्लेस में, तो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक ब्लूप्रिंट के लिए हम लोग करें ऐसा, दैट इज एडवाइजरी फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, लाइक एनी पर्सन आई एम ऑल्सो इंसिस्टिंग ऑन द डेमोग्राफिक डिविजन, दैट इज वेरी ऑब्वियस, और यही डिस्पैरिटी का सबसे बड़ा कारण हो रहा है मैं समझता हूँ, क्योंकि वी हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल पॉपुलेशन, एंड सो वी आर बींग पुट इन टू डिस एडवांटेज एज शो कि दोज स्टेट्स विच आर लेस पॉपुलेटेड दे आर क्लेमिंग कि वाई देयर शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड फॉर बींग फॉर पुटिंग अ कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, एक दो। और जैसा कि विजय जी ने भी कहा और सुशील जी ने भी कहा, सब लोग कहते हैं कि जो एक पेरेनियल प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी केदारनाथ में प्रॉब्लम हुआ, डिजास्टर आया, कैलामिटी आई, तो पूरा कंट्री उठ गया, इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दे ऑल एक्टेड एज वन। और ये हमारा फ्लड जो है, इवन विद स्लाइट ऑफ रेन्स ऑन द अपर रिचेज वी फाइंड फ्लड्स
एवरीवेयर इन बिहार, तो इससे एक नेशनल कैलमिटी कब तक के लिए घोषित किया जाए, जब तक कि दे डू डोंट ट्राई टू पुट अ चेक ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि ये हमारा है नहीं बनाया हुआ, ये तो इट्स बियॉन्ड कंट्रोल, हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज है, इसलिए इसको नेशनल कैलमिटी परमानेंट रूप से डिक्लेयर करवाने के लिए, दिस इज माई सजेशन। जैसे कि अभी केदारनाथ में हुआ ना, पूरे के पूरे लगा कि होल कंट्री उठ के आ गया, इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसी तरह से, और ये इतना यूजुअल हो गया है बिहार के लिए कि शर्मा जी ने ठीक ही कहा कि गरीबी में रखने का एक बहुत बड़ा कारण है, गरीबी एक्सेप्ट ऑलरेडी हमारा वे ऑफ लाइफ हो गया है, दो दो चीज़ें हो गई। तीसरी बहुत बढ़िया बात कहा सुशील जी ने कि सेवंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आएगी, दैट विल पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन अस, तो उसके उसके लिए किया जाए, और एक्ट जो बन रहे हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट से लेके सारे, उसका मैचिंग ग्रांट हमें दिया जाए, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता है कि अब रिवॉल्यूशन ऑफ फंड आप कह रहे थे कि बिफोर इंडिपेंडेंस या पाकिस्तान में हो रहा था, बिकॉज पॉसिबल, लेकिन निश्चित रूप से इफ नॉट 50% इट शुड बी ब्राउट टू 45 or 30%। हम समझते हैं हम वर्ग लिफ्ट और शिफ्ट ले, और मैं ईशा जी से कहूँगा और सबोदय जी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मोदी जी को जाना है और हम चाहते हैं कि मोदी जी रहें जब तक सभी लोग पार्टिसिपेट करें, उनको बेहोस रहे, जो पॉइंट्स ऑलरेडी रखा गया है उसको नहीं रिपीट कर दी, कोई अगर नया पॉइंट्स हो तो काइंडली उसको। ये वित्त आयोग के कार्य क्षेत्र के दायरे में मुख्य बात तो है कि केंद्र से संसाधनों का कितना बड़ा हिस्सा कुल मिलाकर राज्यों को और विशेष रूप से विशेष परिस्थिति में बिहार को हम लें, ये प्रयास हमारा है, और इस दिशा में पहले ही काफ़ी हमारे जानकार और अनुभवी लोगों ने बताया है, उसमें से कोई बात दोहराने की जरूरत नहीं। एक बात जो घोष साहब ने कही, ये रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए जो भी प्रयास किए गए, तो बिहार के मामले में उल्टा योर डिस्पैरिटी और मामले में भी, और खासकर बिहार के मामले में ये डिस्पैरिटी बढ़ती गई है। उन्होंने कहा है कि बड़ा मार्जिनल इक्वलाइजिंग जो उसमें फैक्टर्स हैं जो दिए गए हैं, वो बहुत मार्जिनल इक्वलाइजिंग ही टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है, और ऐसा इतना कम इक्वलाइजिंग है कि उसका असर आमतौर से कोई हता दिखाता नहीं है। लेकिन एक पार्ट और है, वो है कि हम अपने रिक्वायरमेंट्स को फाइनेंस के कमीशन के सामने रख सकें, तो क्या हम लोगों की ओर से कहीं अपना रिक्वायरमेंट रखने में कमी तो नहीं रही है? और मुझे लगता है कि कमी रही है। अब मिसाल के लिए 1980s में दो प्रोजेक्ट भारत सरकार ने स्वीकृत किए, कोसी पर बड़ा क्षेत्र में बड़ा हाई डैम प्रोजेक्ट, और हनुमान नगर में बराज का छोटा प्रोजेक्ट, और ऑप्शन दिया बिहार सरकारों को कि दोनों में से कोई एक आप लीजिए, और बिहार सरकार ने कहा कि बड़ा डैम वाला प्रोजेक्ट इतना पानी इतनी पनबिजली हम लेके क्या करेंगे, हमको छोटका वाला वो बराज दे दीजिए। मतलब कि हमने रिक्वायरमेंट अपना नहीं समझा, भविष्य में हमको बिजली की कितनी कमी होगी, सिंचाई के लिए कितना पानी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने नहीं समझा और आई ही चीज को छोड़ दिया। वर्तमान में बिहार सरकार ने एक जल नीति बनाई, उसका ड्राफ्ट पर डिस्कशन था जिसमें मैं भी शामिल था, मंत्री जी पीएचडी मिनिस्टर वो भी थे, और उस ड्राफ्ट में हमने लिखा हुआ देखा कि गंगा
बिहार का ड्रेनेज सिस्टम माने ड्रेनेज पानी को ड्रेनेज ड्रेन आउट करता है। तो मेरे जैसे आदमी को बड़ा ताज्जुब होगा क्योंकि बाढ़ के सवाल पर बड़े बड़े इंजीनियर लोगों की भी गोष्ठी में मुझे जाने का मौका मिला है। बिहार की भौगोलिक परिस्थिति जो है तो अद्भुत है। एक इंजीनियर संतोष कुमार है अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के, उन्होंने कहा कि जो पानी का मीठे पानी का जितना बड़ा झील बिहार में जमीन के नीचे है दुनिया में कहीं नहीं है। ये इंटायर वाटर सिस्टम ये गंगा का मध्य मैदान है और पूरा वाटर सिस्टम और जमीन का सिस्टम भी गंगा बेस्ड है। इसलिए एक इंडिपेंडेंट जो है जल सिस्टम पानी का सिस्टम बिहार का गंगा सेंटर, गंगा को सेंटर में रख के और एक जल की जल का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। मान लीजिए कि बक्सर से और फरक्का तक अगर गंगा को हम हाई डैम से 1 किलोमीटर के दायरे में घेर दें और डिसिल्टिंग करवा दें तो जरा अनुमान तो लगाइए कि कितनी जमीन निकलेगी। क्योंकि गंगा जो है सो 10 किलोमीटर की चौड़ाई तक जो है जमीन की, और उस सिस्टम को अगर हम बना करके और उत्तर से और दक्षिण से आने वाली नदियों को हम उसी तरह से डिसिल्टिंग प्लस डैम बना करके हम रास्ता बना दें तो उत्तर बिहार में इतनी जमीन हमारी बर्बाद है नदियों के चलते, वो सारी जमीन निकलेगी, कितना बड़ा एसेट हमारे लिए हो सकता है। और ऐसा अगर एक इंटीग्रेटेड वाटर सिस्टम का कोई प्रोजेक्ट हम अगर बना करके रखेंगे वहाँ तो हमारे रिक्वायरमेंट का उनको अंदाजा होगा और ये विकास बिहार के नक्शा को बदल देगा। क्योंकि हम कृषि पर आधारित हैं, कृषि ही 89% लोग गांव में रहते हैं। कृषि के विकास के बगैर बिहार के विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते। और कृषि में सबसे बड़ा पहले भी लोगों ने कहा है, हम सब जानते हैं, ये बाढ़ सुखाड़ बिजली संकट ये हमारे कृषि का सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से और सब और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुपोषण की बात अनिल शर्मा जी ने कही है, और भी जो इस तरह से रिक्वायरमेंट है जैसे शिक्षा। अब शिक्षा के मामले में यहाँ हालत ये है कि हमारे लड़के सब दूसरे राज्यों में जाके तो हमारा तो ड्रेनेज हमारी रिसोर्सेज का ड्रेनेज हो रहा है, बाहर जा रहा है। ये हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं बिहार में हो सकता है? वो पूरा राजस्थान वगैरह वगैरह जो है शिक्षा का हब बना दिया है। इसी तरह से अपने रिक्वायरमेंट्स को रखने के लिए खुद हमको जानना होगा। प्रोजेक्ट बनाने के मामले में मेरी समझ है कि प्रोजेक्ट बनाने के मामले में बिहार में हम लोग बहुत कमजोर हैं। जब हम वायबल प्रोजेक्ट्स बना करके और उसमें जो साधनों का रिक्वायरमेंट्स है ये हम वहाँ रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। आखिरी बात, जब विभाजन हो रहा था बिहार का तो हमारे प्रमुख दलों ने पैकेज, मोटा मोटा पैकेज तैयार किया कि हमको दिया जाए पैकेज। CPI ने उस समय पैकेज बनाया लेकिन पैसे का नहीं, प्रोजेक्ट्स का पैकेज, पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट्स, काफ़ी उसकी चर्चा अखबारों में भी हुई थी। हम समझते हैं कि सिर्फ पैसा ज़्यादा आ जाने से बिहार का विकास नहीं होगा। राहत पर सिर्फ विकास के नाम पर राहत पर सिर्फ खर्चा करने से बिहार पिछड़ा का पिछड़ा रहेगा। सॉलिड एसेट, बिग एसेट सब जब तैयार के लिए हम पैसा लगाएंगे तभी विकास होगा, पिछड़ापन दूर होगा। हमें फाइनेंस कमीशन के सामने भी इस दृष्टि से अपने रिक्वायरमेंट्स को रखना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। हम लोग का अभी जो डिस्कशन में मेनली जो फाइनेंस कमीशन में जो हम लोग स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेंगे, अभी हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का यहाँ डिस्कशन शेयर नहीं करेंगे, मगर उसमें क्या फॉर्मूला होना चाहिए, किस पर इम्फेसाइज करना चाहिए, उस पर थोड़ा डिस्कशन करें। आपका पॉइंट ठीक है कि बिहार का पक्ष हरदम नहीं रखा जाता था, शायद जब फेजिबिलाइजेशन हुआ था उस समय में भी नहीं रखा गया। इसीलिए हम लोग जब कोशिश किया कि भाई डिसेंट नोट लिखा जाए
कि बाद में भी लोग समझेंगे कि उस समय बिहार का क्या ओपिनियन था, किस बात से लोग डिफर किए, कई ऐसा चीज हुआ बिहार में जिससे कि हम लोग डिसएडवांटेज हुए, मगर बिहार का क्या पक्ष था वो कभी उभर करके नहीं आया। तो ये आपका आपके आपकी बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि ये होना चाहिए था, और शायद प्रोजेक्ट इसको लेकर के माननीय मंत्री ये जो जी बैठक में हम लोग इसका एक अलग कभी बैठक कर सकते, प्रोजेक्ट बेस्ड डिस्कशन उसके बाद पैसा कर सकते। उस सवाल को हमारी पार्टी आगे बढ़ के उठाती रही है और बाद में भी और दूसरे राज्यों के साथ मिलकर हमने कोशिश किया इस पर एक कंसेंसस बनाने का, और हम ये समझते हैं कि ज्यादातर सुझाव जो टैक्स के बारे में आए हैं, खास करके जो 50% वाला, वो तो हर हाल में कंसेंसस के रूप में उसको और थोड़ा बढ़िया ढंग से हाईलाइट करते हुए शार्पली मदद करने की जरूरत है। वास्तव में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो ना प्लानिंग कमीशन रिफ्लेक्ट करता है और ना फाइनेंस करता है, और वो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से इसका गठन होता फाइनेंस कमीशन या प्लानिंग कमीशन का, तो इस किस्म का जो है एटीट्यूड कि हमको दया आई तो 0.5% आपके स्टेट को बढ़ा दिया, आपने बहुत सारा रिप्रेजेंट किया, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस, और इट्स नॉट ए क्वेश्चन, इट्स नॉट ए कॉलोनियल गवर्नमेंट, इट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फेडरल प्रिंसिपल, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड बाई पीपुल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड बाई पीपुल, सो हाउ डू यू डिस्क्रिमिनेट? आफ्टर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 4-5 डिपार्टमेंट उसका है सिर्फ, बाकी तो सब पैसा स्टेट को संभालना, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और डिफेंस, इस चार के नाम पर अब सारा रिसोर्स को मोनोपोलाइज कर दिया, और ये एटीट्यूड मुझे लगता है ये डेमोक्रेटिक और फेडरल प्रिंसिपल का वायलेशन, इसलिए इसके खिलाफ एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी बनाने का जरूरत हमको पड़ेगा। और आपने जो ये बनाया है जो प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट और जो सजेशन का आया है उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि और भी एक्सरसाइज की जरूरत है ताकि वेरियस फोरम से वेरियस पॉलिटिकल पार्टी हम इस सवाल को मजबूती के साथ और शार्पली उठा सकें। मैं समझता हूं कि एक दो बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक तो इरिगेशन का सवाल है, हमारा तीन मेन बिहार में हमको लगता है डिविजन के बाद स्टेट बंटवारा हो गया, हमारे पास लैंड मेन रिसोर्स वाटर और ह्यूमन रिसोर्स जो अनिल जी ने, ये तीन हमारे पास, लेकिन ज्यादातर जो इरिगेशन का फैसिलिटी, ज्यादातर जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर का वो इससे रिलेटेड है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इसके हिसाब से हमारा डिमांड बढ़ना चाहिए, एकदम डिमांड होने का जरूरत है, क्योंकि अब हमारे पास विकास का एकमात्र रास्ता है और इन्वेस्टमेंट को अपने राज्य में बुलाने का कि हम एग्रीकल्चर में सरप्लस में जाए और इतना सरप्लस में चले जाए कि इंडिया गवर्नर लीडिंग स्टेट बने, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम फ्लड और ड्रॉट के सिचुएशन पर इफेक्टिव कंट्रोल करके और इरिगेशन का जो है उसमें मेजर इन्वेस्टमेंट है। जब सरप्लस होगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, मार्केट क्रिएट होगा, तभी कोई इन्वेस्टर आप कितना भी बिना बुलाए भी विदेश से भी आएगा और अपने देश से भी आएगा। ऐसे आप बुलाते रहिए, पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज होगा, इन्वेस्टर आएगा, क्योंकि हमारे पास है क्या? ना पावर है, ना हमारे पास वाटर है, मतलब है वाटर बट इट इज अनकंट्रोल्ड, तो इसको रेगुलेट हम कैसे करें? और उस रेगुलेशन के लिए जो हमको पैसा चाहिए उस मद में हमको मांगना चाहिए कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को, हम अपने लैंड रिसोर्स को और हम अपने वाटर रिसोर्सेस को डेवलप करने के लिए हमको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है। जहां तक ये सवाल है 71 वाला, मैं भी सपोर्ट में हूं कि वो फिगर बिल्कुल अनसाइंटिफिक, और बाकी जो बातें आएंगी उसको समर्थन करते हुए मोटे तौर पर हम समझते हैं कि और अगर बाद में कुछ बात होगी तो लिखित रूप में हमारी पार्टी आती है।
एक जो कुछ नया अगर बात हो तो कहीं भी बहुत सी बातें आ गई। सबसे पहले मैं आपको और आपकी संस्था आदि को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि 12वें वित्त आयोग से लेकर 14वें वित्त आयोग के सामने हम अपनी राज्य की समस्या को सम्मिलित रूप से सभी पॉलिटिकल पार्टियां साथ साथ शैक्षणिक संस्थाएं और अन्य संस्थाएं सम्मिलित कर रखने का प्रयास कर रही है काबिलियता मेरा ये मानना। लेकिन विकास की जिस बात को हम करना चाहते हैं उस विकास की समझदारी साफ साफ होनी चाहिए। हम केंद्र सरकार से अधिक से अधिक पैसा लें जो हमारा हक है हमको नहीं मिल रहा है उसके लिए हमको संघर्ष करना ही चाहिए और सम्मिलित रूप से संघर्ष करें ताकि हम सार्थक फल पा सकें। लेकिन उस पैसे का उपयोग मैं समझता हूँ कि हमारे जो पूर्व वक्ताओं ने जो बात को रखी वाटर लैंड एंड ह्यूमन रिसोर्स ये हमारे तीन रिसोर्स हैं तो एजुकेशन को विकसित किए बिना क्या राज्य का विकास हो सकता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर नहीं होगा हमारे यहाँ तो क्या आम लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और उस हालत में राज्य का विकास क्या होगा। वैसे ही राज्य के लोग आम लोगों के बच्चों के स्वास्थ्य की समस्या जहाँ थी उससे पीछे चली गई प्राइमरी स्तर पर भी सेकेंडरी स्तर पर भी और क्या यूनिवर्सिटी लेवल पर हम उसको ऊपर उठाने की दिशा में खास करके गरीब लोगों के जो बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सक्षम है साधनवान है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ ये हम अपनी पार्टी की ओर से उस दिशा में कोशिश होनी चाहिए। दूसरी बात लैंड के डेवलपमेंट के लिए उत्तरी बिहार का बहुत बड़ा भाग है जहाँ की जमीन काफ़ी उपजाऊ है लेकिन इरीगेशन का कोई साधन नहीं है। साधन के रूप में जो कुछ है उनका निजी प्रयास के जरिए हो रहा है तब भी वो दिखा रहे हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम अधिक पैदावार यहाँ तक कि पंजाब को पीछे छोड़ने वाले इलाके भी हमारे उत्तरी बिहार में इन्होंने गेहूँ के पैदावार में अन्य चीज़ों के पैदावार में पीछे छोड़ दिया। उनको अगर प्रोत्साहित किया जाए सरकार की ओर से जिसके लिए अधिक फंड की जरूरत है यह इलाका निश्चित रूप से आगे बढ़े है ना। और नदी जल का या जो भी हमारे पास वाटर का रिसोर्स है उसका भी अधिक से अधिक उपयोग करके है ना जैसे फिशरी इंडस्ट्री है या और भी इंडस्ट्री है हम अभी मछली के लिए निर्भर कर रहे हैं आंध्र पर है ना। मछली का उत्पादन हम बढ़ाकर लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ जो हमारे राज्य की समस्या बाहर से मंगाने की है उस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। उस दिशा में भी हम कहाँ इन्वेस्ट करें कैसे इन्वेस्ट करें इस पर भी जोर देना होगा। लेकिन यह सब बात हम लोग कर रहे हैं विकास की विश्वव्यापी मंदी के दौर में इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। विश्व की अर्थव्यवस्था घनघोर मंदी के संकट से गुजर रही है और उसी का एक हिस्सा होने के नाते भारत की अर्थव्यवस्था है ना। फिर भी हम अपने स्तर से कोशिश करें कि इन सारी समस्याओं का सामना करते हुए राज्य की जनता की के हित में जो हो सकता है उस दिशा में हम सामूहिक और सार्थक प्रयास व्यक्त करें। हम लोग एक बार डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए उस पर एक बार अलग से बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगा अभयानंद जी को उनका लेट पहुँचे मगर पहुँच गए यह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बहुजन समाज पार्टी आप बोलना चाहेंगे एक कोई हम सहमत है आपका उसी विचारों से आपका धन्यवाद देना चाहेंगे एकदम इस स्थिति में भी आपने इस बार बात सोच रखी है बहुत ही और हम समझते हैं आप सहमत के समझते हैं आपके बात से तो हम सहमत सहमत हैं लेकिन साथ ही साथ से जो आपका सामूहिक रूप से जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं विभिन्न पार्टी के या अन्य लोगों को बुला करके तो मैं इसका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही साथ यदि मैं कहता हूँ कि ऐसे जो सारे वक्ता और सारे हमारे पार्टी के लीडर बोले हैं देखिए जो बिहार का जो डेवलपमेंट की बात है तो निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद से ही जो अन्य राज्यों को अपेक्षाकृत जो पैसे मिले हैं आमंत्रित किए गए थे वो हमारे बिहार को नहीं मिला
अब इसमें हमारा बिहार प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है, हमारा प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि हमें केंद्र द्वारा जो पैसे जो आवंटित हुए वो अपेक्षाकृत कम हुए, लेकिन हम सजग हैं, अब हम जागरूक हुए हैं सभी पार्टी के लोग, और आपके द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं निश्चित तौर पर मैं आपका एक बार फिर दोबारा भी फिर मैं आपका मैंने बताया कि धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो आपसे पहले भी हमारी बात हुई थी, ये जो रघु राजन कमेटी का जो आप सदस्य भी हैं, जो आज जो बिहार की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर सभी पार्टी के लोगों ने और बिहार के सभी लोगों का इतनी मांग था कि हमारा विशेष राज्य का दर्जा हो, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा हमको नहीं लगता है कि जो अभी मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना अवश्य मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र में जो भी सरकार है वो सरकार आज बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की स्थिति में नहीं है। नहीं तो अगर जो बिहार के लोग खास करके जो सभी पार्टियों को छोड़ करके वर्तमान के सरकार ने अपने द्वारा, मैं वर्तमान सरकार का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सभी पार्टियों को छोड़ते हुए शुरू में सभी पार्टियों को लेकर के और विशेष राज्य की दर्जा की बात हुई थी, लेकिन बाद के दिनों में सभी पार्टियों को छोड़ते हुए अकेले उन्होंने सोचा कि इसका मैं लाभ लूं, लेकिन वो लाभ बिहार के जनमानस को शायद नहीं मिल मैंने मिलते दिख रहा है। तो मैं आपसे निश्चित तौर पर मैं आवेदन करूंगा कि अगर बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो निश्चित तौर पर हम कितने लाभान्वित होते, जो आज आजादी के बाद हम वंचित रहे हैं शायद उसका हम भरपाई कर पा सकते थे। हम लोग इस पर बाद में डिक्रीज होता गया है, और जबकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट से 7.7% से बढ़ के 8% के आसपास चला गया। इसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा बनाने का, क्योंकि वो परसेंटेज शेयर में वो मिलता नहीं। दूसरा है कि इंडस्ट्री बार डिमांड की है 12th फाइनेंस 13th फाइनेंस में भी किया था, जिसमें उन्होंने एक डिजाइन सजेस्ट किया है GST के रोल आउट के, एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि GST अगर रोल आउट होगा तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, तो ही राज्य का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा सब लोगों को। और एक कंसेप्ट है कि GST के लागू होने से 1.5 से 2% GDP में ग्रोथ होगा, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग को दोहराना चाहिए कि जो रोल आउट है GST का 14th फाइनेंस कमीशन में इट शुड बी स्टील नाइट। और एक अच्छी बात आई थी कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें राजन कमेटी के सदस्य रहे हैं, और उसमें जो कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स बड़ा है बना है उससे कम से कम ये तय हो गया है कि कौन सा राज्य किस जगह पर है, और बिहार लिस्ट डेवलपमेंट स्टेट में सेकंड में है नीचे से। तो हमें लगता है कि इसको एक आधार बेस स्ट्रांग बेस बनाना चाहिए जो हम डिमांड करते हैं उसको, ताकि जो स्टेट स्पेसिफिक डिमांड है उसमें कुछ इंक्लूड हो पाए। इसके अलावा ग्रांट सीनेट पर कुछ हमारा सजेशन है कि रोड एंड ब्रिज मेंटेनेंस जो है उसका आउटले बढ़ाने की बात होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में सड़कें तो बन रही है ब्रिज बन रहा है पर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा, और इसमें फंड्स की कमी एक रही है इम्पोर्टेंट चीज, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और आउटकम रिलेटेड इम्प्रूवमेंट ग्रांट सीनेट में दिया जाता है, तो बिहार के लिए इस बार क्योंकि थोड़ा सा हमें इस बात का आश्चर्य जरूर है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड किसी ने बात नहीं की, कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो ताकि टैक्सेशन इम्प्रूव होगा राज्य में, तो इसके लिए हमें लगता है ग्रांट सीनेट में एक 2000 करोड़ का एक आउटले मांगना चाहिए, जिसमें स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन को मजबूत करने और राज्यों में ये दिए गए हैं, इसलिए अगर बिहार की तरफ से ये मांग होती है तो एक बेटर है। तीसरी बात है ग्रांट सीनेट में कि इंस्टीट्यूशन क्रिएशन फंड होना की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास हाई लेवल के इंस्टीट्यूशन की कमी है, चाहे वो मैनेजमेंट रिलेटेड हो, डिजाइन रिलेटेड हो, IT रिलेटेड हो, तो इसके लिए कुछ फंड की ग्रांट सीनेट में डिमांड होनी चाहिए। स्टेट स्पेसिफिक नीड में 2-3 पॉइंट है। पहला, स्टेट स्पेसिफिक नीड के लिए बाकी तो जो सोशल सेक्टर में है वो है, लेकिन इंडस्ट्री पॉइंट से इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक मांगना चाहिए स्टेट स्पेसिफिक नीड, जो लगभग 5000 करोड़ का आउटले मांग सकते हैं। इसमें जो भारत सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई है
उसके तहत उन्होंने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन की बात की है, जो कि बिहार से जो भी आपका अमृतसर दिल्ली कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकलेगा वो बिहार से भी निकलेगा, और उसको बनाने के लिए 5000 हेक्टेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसको बनाने के लिए हम लोग फंड मांग सकते हैं, और उसके अलावा 10 न्यू इंडस्ट्रियल एरिया को बनाने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उसके लिए भी लगभग हम लोग फंड उसी टाइटल मांग सकते हैं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगता है बहुत बड़ा चंक लैंड हमें मिलेगा, उस लैंड में हम फिशरी भी कर सकते हैं, एग्रो कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, और उससे जमीनें भी काफ़ी बाहर निकले, विचार 4.5 लाख हेक्टेयर एक चंक मिलना आज के दिन में किसी राज्य में ये पॉसिबल नहीं। अंत में क्योंकि इंडस्ट्री से इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत राज्य सरकार को कम से कम 20,000 करोड़ की डिमांड करनी चाहिए, ओनली टू स्ट्रेंथन द पावर सेक्टर, वेदर इट इज जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ सुझाव थे जो आपके लिए थे, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बधाई देती हूँ, और इस तरह से आपका ये प्रयास सभी समाज के सभी क्षेत्रों को मिला करके और एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। बाकी सारी बातें तो सभी लोगों ने कह दी है, एक बात जो मेरी मेरी समझ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल, वो है कि एनवायरनमेंट, दैट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और बिहार में झारखंड अलग होने के बाद हमारे पास जंगल बिल्कुल खत्म हो गए, इसके लिए अब शुरुआत तो सरकार के द्वारा बहुत ही प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा भी बहुत ही पॉजिटिव निकल रहा है, बट इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। एक दूसरी चीज कि हमारे यहाँ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है, जिसके लिए विश्व स्तर के बहुत बड़े बड़ी मशीनों की जरूरत है, और इतना पैसा बिहार सरकार के पास नहीं है कि वो इतना इन्वेस्ट करे महंगी मशीनों पर। तो इसके लिए केंद्र से एक विशेष पैकेज की मांग की जानी चाहिए, ताकि जो झारखंड अलग होने से जो हमें घाटा हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके, और यह पैकेज बहुत लंबे अंतराल में बहुत कारगर नहीं सिद्ध होगा, इसकी तुरंत हमें जरूरत है। तो इस दृष्टिकोण से 14वें फाइनेंस कमीशन के सामने ये समस्या रखी जानी चाहिए, ताकि हमें एक मुश्त कुछ पैसा मिल सके जिससे राज्य का आगे विकास हो सके। और बाकी जो बातें मेरे मन में थी वो सब लोगों के द्वारा कही जा चुकी है। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का यह सोचना है कि नेशनल एवरेज में बिहार को लाने के लिए अगले 10 साल में हम लोग को 80,000 करोड़ पर एनम का ग्रांट चाहिए, डिवोल्यूशन ऑफ फंड से जिस रूप में, उसके बिना आप नेशनल एवरेज पर आप पहुंच ही नहीं पाइएगा। इसके लिए क्या फॉर्मूला डिवाइस होना चाहिए ये फिनांस कमीशन को हम लोग को बताना चाहिए, ताकि 32 से 40 और 40 से 42 इससे भी कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अभी 32.5% पर हम लोग को लगभग 35,000 करोड़ मिल रहा है पर एनम, 35,000 करोड़ से हम लोग कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, यदि 40 होगा तो 42-45,000 करोड़ पहुंचेंगे। तो हम लोग को चाहिए 80,000 करोड़ पर एनम, बिहार का हम लोग का जो स्टडी है। प्रॉब्लम सब लोग सब जानते हैं कि बिग पॉपुलेशन है, यहाँ पर रेवेन्यू का कोई मेजर सोर्स नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह उस तरह का नहीं है, ना कोई अर्बन सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, 9-10% का अर्बन सेंटर्स टोटल हमारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग काफ़ी लैक कर रहे हैं। हम लोग का एजुकेशन और हेल्थ पर 15,000 करोड़ का एनुअल आउटगो है बिहार से, बिहार के बच्चे बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। इन सबों को देखते हुए जो हम लोग की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 10 अर्बन सेंटर्स हम लोग डेवलप कर पाए, जो फंड आए उससे एयरपोर्ट्स, 4 मेजर एयरपोर्ट्स होने चाहिए। हम लोग का टूरिज्म सेक्टर जो है वो काफ़ी पोटेंशियल है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए यदि हम लोग इन्वेस्ट करें रिलीजियस टूरिज्म पर, तो यहाँ पर काफ़ी एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जो एजुकेशन में जो अभी आउटको है उसको यदि हम लोग लिंक करते हैं यहाँ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज को दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हम लोग, तो लोग यहाँ से माइग्रेट नहीं करेंगे। तो ये जो
हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम्स कुछ हटना चाहूंगा कि आपने पिछली दो बार में जो दिया है मेमोरेंडम, व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट हैज बीन इंप्लीमेंटेड और यू फील इसमें है लिया हुआ है, तो मतलब उस पर जो हम लोगों ने दिया उस पर कुछ काम हुआ पहले भी, है ना? या हम लोगों को और मेथड ट्राई करना चाहिए अदर देन सबमिटिंग अ मेमोरेंडम? इज देयर एनी अदर प्लेटफॉर्म where we should go and raise this issue? I just want to know out of curiosity. It's a very general question. But sir, this, sir, to finance commission ko koi organization dena chahe. Haan, nahi. Sir, very general question because economics experts are here. Point, aaj se 10-15 saal pehle. Ji. Bahut hi professional tarike se presentations nahi hota. Ji. Hum log ne isse problem kiya. Isme jo कई लोग जाते थे एक पढ़ना डेढ़ पढ़ना का प्रेजेंटेशन फाइनेंस कमीशन हम लोग देख रहे हैं 9-10 से, तो हम लोग ने सोचा कि इसको बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से बहुत अच्छा हो, तो अभी गवर्नमेंट और बिहार का भी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट जी, और जो ऑल पार्टी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों का जो प्रेशर रहता है सब नेशनल प्रेशर और मोर डेवलप्ड, उसका डिविडेंड हम लोग को अगर आप देखिएगा कि 11th फाइनेंस कमीशन में जो डिक्लेयर्ड सम था 12000 करोड़ हम लोग को कम मिला, और इसमें 12th फाइनेंस कमीशन में डिक्लेयर्ड सम था उसे ज्यादा मिला है, पर टीम में अभी तक ज्यादा नहीं मिला पर घटेगा नहीं जी, इसलिए जो कॉमन प्रेशर रहता है और उसका डेवल्यूशन से सभी होता है जी, तो दैट इज टू बी अप्रिशिएटेड। एक क्लिप्स पर ऐड करूंगा, एज अ पॉपुलेशन हाईली डेंस पॉपुलेशन है तो हम लोग कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं, आपके हिसाब से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन तो हम लोग के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, उसके लिए तो फोर्सफुली हम लोग करें। एनी अदर पॉइंट विच वी शुड स्ट्रेस एज अ कंज्यूमिंग स्टेट विच यू थिंक विल बी बेनिफिशियल? वो सर्टनली आई थिंक इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स विल बी डिस्कसिंग ऑन इट मोर। थैंक यू। उसमें जो भी पैसा है वो कहीं किसी भी कुछ अपार्ट होना चाहिए, जैसे स्पेक्ट्रम की मदद से चार चार और डिस्कशन ओपन है, कोई सभी का पक्ष आ गया, अगर कोई ऐसा कोई क्रिटिकल पॉइंट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। एक सुझाव है, एक बेस सुझाव आप तैयार कर दीजिए, हर बार पहले हम लोग मिलते हैं उस वक्त डॉट जो कंटूर है मेमोरेंडम का वो डिसाइड कर लेते हैं बात हुआ, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट होगा जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होता है, फिर जब एक्सेप्टेड हो जाएगा तब हम लोग उसको पब्लिक में रिलीज करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद जब फाइनेंस कमीशन आएगा ज्वाइंटली। आप तो सर तीनों में थे, हर बार पहले हम लोग मिलते हैं उस वक्त डॉट जो कंटूर है मेमोरेंडम का वो डिसाइड कर लेते हैं कि बात हुआ, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट होगा जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होता है, फिर जब एक्सेप्टेड हो जाएगा तब हम लोग उसको पब्लिक में रिलीज करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद जब फाइनेंस कमीशन आएगा ज्वाइंटली। आप तो सर तीनों में थे, ऑन ही करके आवाज़ कर रहे हैं, आवाज़ जो बोली कर दिया है।
डॉक्यूमेंटेशन उसका हम लोग हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में पब्लिश किए हैं। हम आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हम लोग बाद में भी पब्लिश करेंगे। ये छह सात राज्यों का मेमोरेंडम सबमिट हो गया है, हरियाणा, पंजाब, आंध्र, गुजरात, बंगाल, उनके मेमोरेंडम को आप अगर मंगवा लीजिए तो उन लोगों ने क्या क्या डिमांड किया उसमें से कुछ चीजें हम लोग को रिलेवेंट मिल सकते हैं। तो ये जो जिन जिन राज्यों का मेमोरेंडम जमा हो चुका है मुझे जानकारी, सात राज्यों की मेरी जानकारी, हरियाणा, पंजाब, आंध्र, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा भी किया। हम लोग इनफॉर्मली साउंड करने का कोशिश किए थे, अभी लोग देना नहीं चाहते कि सोचता है कि कोई अच्छा पॉइंट हम लोग का अच्छा पॉइंट उसका होगा, हम लोग भी कहेंगे उसी को जोड़ मिलेगा। तमाम राज्यों के मंत्रियों का पिछले दिनों प्रयास हुआ है सिचुएशन बनाने का, एक कंसेंसस बनाने का। The demand is not only Bihar specific, the demand is state versus center. So that attempt should also be taken, and an initiative should be taken by the present finance minister. Usme main jo role tha Modi ji ka aur Asim Das Gupta ji ka, ha sir, aur hum log chahenge ki is baar vijay ho, dono nahi hai मगर आप इनपुट देते रहिए सर, आपको और बढ़ाएंगे। एक बार आप विजय बाबू को इनपुट देते रहिए, स्ट्रेंथन रहे हैं वहाँ पर। आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, दैट इज अनमैच्ड। इसका मतलब है कि 2015 के साथ दैट इज द मार्शल ऑफ योर पार्टी। सर चलिए उसको हम जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, हम पूरे पूरे वहाँ पर नेक्स्ट डे हुआ है और जितने सारे पॉइंट हम लोग रिपीट हुए हैं अपने प्रोग्राम में रिपीट हम भी करेंगे और हम समझते कि साथ में हमारे लाख पहले से डिस्कस करेगा। यही सब कुछ करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका हम लोग चाहिए वो सुने कहता लगे पीछे बोल रहे हैं तो वही तो बोले ना, तो करो प्रोड्यूसर।